हुआ जिसका डर था कि इंडिया ने जो है वो ऑफिशियली बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है कि भाई साहब हमारी गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं दे रही, हम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और आईसीसी ने भी जो है वो टेलीफोन करके जो है पीसीबी चेयरमैन को बता दिया है कि इंडिया जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। तो अब अगला लाया अमल क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी का होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं वो इंडिया से है, जितना भी पैसा आता है वो इंडिया से आता है। तो इंडिया के बगैर जो है वो ये चैंपियन ट्रॉफी होना तो किसी भी सूरत में दिखाई नहीं दे रहा। जो बेवकूफ़ ये बातें कर रहे हैं कि श्रीलंका को शामिल कर लिया जाएगा, वेस्ट इंडीज़ को शामिल कर लिया जाएगा, ये महज एक फरूजे हैं, ख्वाब हैं जो पाकिस्तान मीडिया जो है वो बना रहा है। अब जो होगा क्या, अब इंडिया जहाँ पे चाहेगा अपने मैचेस खेलना, अब वही उसके मैच वहाँ पे होंगे, श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो दुबई में रखे जाएंगे, और उसके साथ एक सेमीफाइनल भी जो है वो दुबई में रखा जाएगा, और अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो फाइनल भी जो है वो दुबई में रखा जाएगा। तो ये पाकिस्तान के फैन के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि इंडिया जो है उसने अपना सिक्का दिखाया है, उसने दिखाया है पाकिस्तान को कि मैं क्या कर सकता हूँ, हम आपको आपको खेलने के लिए आना पड़ेगा। जैसे 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया गई इसी सोच के ऊपर कि इंडिया भी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा। जैसा कि होता यही है कि आईसीसी के टूर्नामेंट जितने भी होते हैं तो कोई भी टीम जो है वो इनकार नहीं कर सकती। अगर आईसीसी टूर्नामेंट का खेलने से इनकार कर सकती है तो वो है टीम इंडिया। उसने एक बार फिर जो है वो करके दिखा दिया है कि ये एशिया कप ही नहीं, हम आईसीसी का टूर्नामेंट भी खेलने से इनकार कर सकते हैं। और पाकिस्तान एशिया कप तो क्या, आईसीसी का टूर्नामेंट भी खेलने से जो है वो इनकार नहीं कर सकता। जैसे कि हमने देखा कि ओडी वर्ल्ड कप जो है वो 2023 पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाके खेला, और अभी T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा वो भी पाकिस्तान आप लोग देखेंगे कि इंडिया में जाके खेलेगा। अगर पाकिस्तान इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो खेलने से इनकार कर दे, क्योंकि अगर खेलने से इनकार कर देगा तो तमाम पैसा जो आईसीसी से उसको मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो ये वाला रिस्क कभी भी नहीं लेगा। तो 2026 में भी पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में जाएगा, लेकिन इंडिया जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएगी, लेकिन अपनी मनमर्जी करेगी, जहाँ इंडिया का दिल करेगा वो वहाँ पर ही मैच खेलेगी। ये भी तो इंडिया की मेहरबानी है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में हो रही है। अगर इंडिया चाहे तो ये चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में आईसीसी जो है वो रोक दे, क्योंकि अगले मंथ में दिसंबर में जो है वो आईसीसी का चेयरमैन जो है वो जे शाह जो है वो मुकर्रर होने वाले हैं। तो ये भी पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती है कि जो भी पाकिस्तान को मैच मिलेंगे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी, तो वो जो है पाकिस्तान को ले लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकल हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जल्दी दीजिए, अल्लाह हाफिज़।